बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे पास तुम हो ड्रामे में बहुत सारी बातें ऐसी दिखाई गईं जिनमें लोगों ने काश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर शादीशुदा मर्दों ने कहा कि काश हमारा बेटा भी रोमी जैसा होता और हमारे लिए खूबसूरत सी टीचर ढूंढता। काश हम भी दानिश की तरह शेयर्स खरीदें, कारोबार करें और रातों रात अमीर हो जाएं। काश हमारी बीवी भी महविश की तरह हसीनो जमील होती, मगर इससे हट करके वो बद किरदार भी होती। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा चोट औरतों को पहुंची है। औरतों के मुताबिक कि काश हमें भी दानिश जैसा मोहब्बत करने वाला, जान कुर्बान करने वाला शख्स नसीब होता। औरतों ने अपने हमदों से गिले शुरू कर दिए कि हमने तो आपके साथ ईमानदारी भी की, मोहब्बत, खिदमत और हर किस्म के हालात में गुजारा भी किया, मगर इतनी शदीद मोहब्बत हमें क्यों ना नसीब हुई? क्या मर्द के प्यार की शिद्दत सिर्फ हसीन औरत होती है? हुसन से शुरू और हुसन पर ख़त्म हो जाती है? मोहब्बत, खिदमत, इखलास, वफादारी, ईमानदारी और हर किस्म के हालात में साथ देना, क्या हमन के दिल में ऐसी जगह और ऐसी मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता जितना सिर्फ हुसन दिल जीत लेता है? आम मर्द तो बीवी को घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझते हैं। खलीलुर रहमान का मर्द से गुजारिश है कि आप ऐसी तहरीर लिखें जिसमें मामूली शक्लो सूरत की खातून के साथ कोई मर्द शिद्दत से मोहब्बत और कदर करता हो। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने का आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।